जय श्री कृष्ण। मैं गोविंद महेश्वरी गीता परिवार का सदस्य हूँ। बच्चों, आपके मन में अनेक प्रश्न और जिज्ञासाएं आती रहती हैं। उसी श्रृंखला में मैं आपसे इन जिज्ञासाओं और प्रश्नों के संदर्भ में बात करूँगा। आज का प्रश्न है, इतने सारे उत्सव और त्यौहार क्यों? नमस्ते बच्चों। कहते हैं कि हमारे यहाँ 12 महीने 25 त्यौहार रहते हैं, अर्थात हमारी संस्कृति उत्सव त्यौहारों की संस्कृति है। आखिर इतने सारे त्यौहार क्यों? बच्चों, आपका भी अपना कोई ना कोई मनपसंद त्यौहार जरूर होगा। बहुत से बच्चों को होली पसंद है, बहुतों को दिवाली, किसी को मकर संक्रांति में तिल गुड़ बांटना पसंद है, तो किसी को विजयादशमी के दिन घर घर जाकर सबसे मिलना अच्छा लगता है। आइए आज हम बात करेंगे इन त्योहारों के रहस्य के बारे में। होली के समय हम रंग खेलते हैं और होली का दहन करते हैं। होली का त्यौहार शीत ऋतु के अंत और ग्रीष्म के प्रारंभ में आता है। इस समय वातावरण में अनेक प्रकार के कीटाणुओं का फैलाव होता है। आज भी हम देखते हैं कि इस समय में बहुत लोग बीमार पड़ते हैं। हमारे ऋषियों ने इसी कारण होली का दहन की परंपरा शुरू की। होली पर रंग खेलने का बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। हर एक रंग अपने आप में विशेष महत्व रखता है। पहले के समय में फूलों के रस से रंग बनाए जाते थे, जो एक तरह से औषधि का कार्य भी करते थे। मित्र और परिवार आपस में मिलकर हंसी मजाक करते हैं और इससे रिश्तों में मधुरता आती है। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो नाग पंचमी के दिन हम नाग की पूजा करते हैं। आखिर एक खतरनाक और विषैले प्राणी की पूजा करने का त्यौहार क्यों? दोस्तों, नाग भले ही विषैला होता है, किंतु ये बिना वजह किसी इंसान को डसता भी नहीं, और प्रकृति के लिए सांप अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और नाग किसान के मित्र होते हैं। खेतों को तबाह करने वाले चूहों को खाकर नाग खेत की रक्षा करते हैं। सांप के विष से अनेक प्रकार की औषधियां बनाई जाती हैं, किंतु फिर भी मानव सांप से इतना डरता है कि इसे देखते ही लोग मार डालते हैं। इसीलिए सांपों की रक्षा के लिए नाग पंचमी जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे हम नाग की पूजा करते हैं, उसी तरह अनेक प्राणियों के संरक्षण का संदेश हमें हमारे उत्सव त्यौहार देते हैं। बैल पोला पर बैल की पूजा की जाती है, बसु बारस पर गाय की पूजा की जाती है। इसी तरह हम तुलसी, पीपल, बरगद आदि अनेक वृक्ष और पौधों की पूजा करते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर संकल्पना है। स्वाभाविक है कि जिसको हम देवता मान लेते हैं, उस वस्तु की रक्षा भी करते हैं। इस प्रकार हमारे उत्सव त्यौहार हमें प्रकृति से जोड़े रखने और इसके पालन और संरक्षण की प्रेरणा भी देते हैं। जय श्री कृष्ण।